मैं आप लोगों के बीच उस टॉपिक को लेकर आ रहा हूं जो पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसे हम सभी फंडामेंटल राइट्स के रूप में जानते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो पहले हम ये देखें कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कहते किसे हैं, कैसे कैसे उसकी लड़ाई हुई। जैसे इस देश में हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो आजादी भी एक फंडामेंटल राइट्स है। तो हमारे देश के पहले भी जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पर भी इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। तो पहले मेरी कोशिश ये होगी कि हम समझें कि मूल अधिकार है क्या। देखें, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, इसमें दो शब्द हैं, फंडामेंटल एंड राइट्स, मूल अधिकार। हम दोनों को पहले निकालते हैं। अधिकार क्या है? सामान्यतः एक सवाल कि अधिकार क्या है, एक साधन है, एक साधन है। यह साधन चाहिए किसको? व्यक्ति को, व्यक्ति को। तो कोई भी अगर साधन होगा, मैंने आपसे कहा कि अधिकार क्या है, साधन है, तो कोई भी अगर साधन होगा तो उसका साध्य होगा ही होगा। अधिकार क्या है? एक साधन है। किसे चाहिए? व्यक्ति को। व्यक्ति को क्यों चाहिए? क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, व्यक्ति अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना चाहता है, इसलिए उसे अधिकार चाहिए। अब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, जिसके लिए यह व्यक्ति क्या करेगा? एक तर्कसंगत दावा करेगा। तो मैंने आपसे यह कहा कि व्यक्ति क्या चाहता है, अपने व्यक्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। तो इस व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उसे क्या चाहिए? साधन चाहिए, साधन चाहिए, अधिकार चाहिए। तो उन अधिकारों के लिए व्यक्ति क्या करेगा? एक रीजनेबल क्लेम करेगा, रीजनेबल क्लेम करेगा। एक तर्कसंगत दावा करेगा, तर्कसंगत कहें, युक्तियुक्त कहें, उचित कहें, जिसका इंग्लिश टर्म यूज होता है रीजनेबल। व्यक्ति एक तर्कसंगत दावा करेगा किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति राज्य के विरुद्ध एक तर्कसंगत दावा करेगा कि हमको ये चाहिए। जैसे मैं एक परिवार का सदस्य हूं, मैं अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए अपने पिता से मांग करूंगा, एक दावा करूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि जो दावा करूंगा वो दावा रीजनेबल होना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि मैं अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पिताजी से कहूं कि मुझे एक कट्टा चाहिए, वो रीजनेबल नहीं है। रीजनेबल का मतलब कि जिसमें उसका हित होने के साथ साथ अन्य का अहित ना हो। तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए क्या करेगा, एक अरीजनेबल क्लेम करेगा, किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। जब वह राज्य के विरुद्ध ऐसा तर्कसंगत दावा करेगा तो दूसरे स्टेप में समाज के द्वारा उसे मान्यता दी जाएगी। जब वह रीजनेबल क्लेम करेगा राज्य के विरुद्ध तो जाहिर सी बात है कि उसकी मांग, उसका क्लेम रीजनेबल है तो समाज की शक्ति भी उसके साथ होगी, तो समाज उसे क्या करेगा, रिकॉग्नाइज्ड करेगा। और जब समाज की शक्ति उसके मांग के पीछे हो गई तो राज्य के लिए यह जरूरी हो जाएगा क्या कि राज्य उसे लागू करे, इन्फोर्स्ड। अब अधिकार की तीन बातें आपके सामने आ गई, क्या कि अधिकार क्या है, अधिकार एक तर्कसंगत दावा है, राइट इज ए रीजनेबल क्लेम, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट स्टेट। राइट इज ए रीजनेबल क्लेम अगेंस्ट स्टेट और रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। हम इसी को अधिकार कहते हैं, हम इसी को अधिकार कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल बात है, आप यूपीएससी का 2018 या 2017 में का पेपर देखिएगा, यह सवाल पूछा हुआ है। तो कभी भी अधिकारों के बारे में बात चर्चा हो तो ये तीन बातें आपके जहन में जरूर आ जानी चाहिए कि राइट इज ए रीजनेबल क्लेम अगेंस्ट स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, इन्फोर्स्ड बाय स्टेट, उसी को हम अधिकार कहते हैं। फिर एक बार सुन लें कि अधिकार राज्य के विरुद्ध एक ऐसा तर्कसंगत दावा होता है जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तो राज्य के द्वारा लागू किया जाता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, अधिकार बोलते हैं। अब मूल शब्द लगा है, जब हम मांग करेंगे तो मांग तो हमारी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो सकती, वजह उसका रिसोर्सेस, संसाधन की कमी। अगर हम 50 मांग कर रहे हैं तो उन 50 मांगों में से राज्य उन्हीं मांगों को इन्फोर्स करेगा जिनके अभाव में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अधिकार तो बहुत होते हैं, अधिकार एक नहीं बहुत होते हैं, लेकिन उन अधिकारों में से जो मूल होते हैं, जिनके अभाव में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। यानी मूल अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकता, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम फोर व्हीलर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, हम बाइक के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं, हम मोबाइल के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन क्या भोजन के बिना रह सकते हैं, क्या वस्त्र के बिना रह सकते हैं, क्या घर के बिना रह सकते हैं, ये बेसिक है, ये मूल है। तो मूल अधिकार वह कहलाता है जिन अधिकारों के अभाव में मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ऐसे मूल अधिकारों के बारे में कि जब हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं तो बात एकदम सीधे सीधे डेमोक्रेसी की आ जाती है, लोकतंत्र की आ जाती है। और उस लोकतंत्र की क्या खासियत है डेमोक्रेसी की, कि लोकतंत्र में सारे लोगों को मूल अधिकार प्रदान किया जाता है, और जो देश जितने ज्यादा मात्रा में अपने लोगों को मूल अधिकार देता है उसके बेहतर होने का यह सबूत होता है।
हेराल्ड जे लास्की जैसा ब्रिटिश विचारक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में उसने ये बात कही है कि प्रत्येक राज्य की पहचान इस बात से होती है कि वह किन किन अधिकारों को लागू किया है, किन अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो मैंने आपसे यह कहा कि लोकतंत्र की यह खासियत कि लोकतंत्र में सिर्फ व्यक्तियों को मूल अधिकार ही नहीं मिलता बल्कि वह इसकी प्रत्याभूति की गारंटी भी देता है। इसका प्रत्याभूति क्षमा करें इसकी प्रत्याभूति भी देता है जिसको हिंदी में इंग्लिश में हम गारंटी कहते हैं। तो लोकतंत्र सिर्फ हमें मूल अधिकार नहीं देता बल्कि मूल अधिकारों की सुरक्षा की प्रत्याभूति भी देता है, गारंटी भी देता है। तो ये तो बात मैं आपसे कह रहा हूं लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर आए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है। तो अनुच्छेद 12, और अनुच्छेद 12 को बताने से पहले मैं उचित समझ रहा हूं कि लोकतंत्र से पहले क्या स्थितियां थीं। लोकतंत्र से पहले पूरे विश्व में अगर जनरली देखा जाए तो पूरे विश्व में ये राज्य और राज्य को क्या कहते हैं, एक अमूर्त धारणा, स्टेट इज ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। हमारा संपर्क राज्य से नहीं होता, उनसे होता है जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोकतंत्र से पहले का समय देखते हैं तो इस राज्य में सरकार थी, जैसे लोकतंत्र में गवर्नमेंट्स है वैसे लोकतंत्र से पहले भी सरकार थी। और सरकार के कितने अंग? 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पूरे विश्व में राज्य का स्वरूप कैसा था? तो मैं कह सकता हूं कि अधिकांशतः मोनार्की थी, राजतंत्र था, यानी सरकार कहते किसे थे? सम्राट को कहते थे। अब सम्राट की क्या सोच? तो सम्राट यह कहता है, जैसे आप देखेंगे कि राजा और पोप के बीच बहुत लंबे वर्ष तक यूरोप में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। चर्च का अधिकारी पोप कहलाता था और पोप ये कहा बात कहता है कि चर्च एक दैवीय संस्था है और ईश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। सम्राट का यह कहना कि राज्य दैवीय संस्था है और सम्राट का मैं प्रतिनिधि हूं पृथ्वी पर, तो दोनों के बीच संघर्ष हुआ। 30 वर्षीय युद्ध जिसे कहा जाता है, 30 वर्षों तक वो युद्ध हुआ और नतीजा यह निकला कि पोप का अंत हुआ और सारी की सारी शक्ति सम्राट के पास चली आई। वह सम्राट के बारे में कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन, कानून क्या है? संप्रभु का आदेश। तो यही कानून बनाने वाला भी, यही आदेश देने वाला भी और यही न्याय निर्णय करने वाला भी। न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठने वाला कौन था? सम्राट। यानी तीनों की तीनों शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा था? सम्राट कर रहा था। यही निरंकुश व्यवस्था की परिभाषा भी होती है, यानी सम्राट किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। और इस सम्राट के साथ साथ था कौन? प्रजा थी। जनता शब्द का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। लोकतंत्र से पूर्व
जब राजतंत्र था तो उस राजतंत्र में एक तरफ सम्राट होता था, दूसरी तरफ प्रजा। प्रजा का जो इंग्लिश यूज होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी प्रजा इस सम्राट के अधीन हुआ करती थी। सम्राट के पास असीमित शक्ति, इसका आदेश ईश्वर का आदेश, और इसके आदेश के उल्लंघन का अर्थ ईश्वरीय आदेश को तोड़ना माना जाता था। प्रजा के पास था क्या? सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य था। कौन सा कर्तव्य? कि राजा के आदेशों का पालन आंख बंद करके करे। इस प्रजा को विरोध करने का अधिकार नहीं था। राजा जुल्म करता चला गया, अत्याचार करते चला गया, नतीजा आप देखेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण ज्ञानोदय वैज्ञानिक क्रांति धर्म में आई तमाम प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी में शुरू हुआ। मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा आपने। तो यह धर्म सुधार आंदोलन जो जर्मनी से शुरू हुआ धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया, और इस धर्म सुधार आंदोलन ने मानव चेतना का विकास किया। इस बात को लोगों के जहन में बैठा दिया कि ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं। वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी थी। जब वैज्ञानिक क्रांति हो चुकी थी तो जो धार्मिक पुस्तकें थी वो भी छप गई थी। लोग उस धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे थे, उनके अंदर इस विश्वास का सृजन हुआ कि अब हमें सम्राट के द्वारा ईश्वर से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं। सम्राट हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। हमें ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं। हम भी धर्म ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो उनके अंदर अंधविश्वास था, उनके अंदर वैज्ञानिक अप्रोच का अभाव नहीं था, तो जो सम्राट कहते चला गया वो मानते चले गए। लेकिन इस धर्म सुधार आंदोलन ने उन तमाम बुराइयों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। इटली में पुनर्जागरण हुई, इस पुनर्जागरण ने भी धीरे धीरे पूरे यूरोप में विस्तार किया। ज्ञानोदय हुआ, इस ज्ञानोदय में रूसो जैसा विचारक, वाल्टेयर जैसा विचारक, दिद्रो जैसे विचारकों का आविर्भाव होता है, जिन्होंने क्या किया, व्यक्ति के अंदर संवेदना का विकास किया। इन चार चीजों ने इसके अंदर सम्राट के विरुद्ध भावना विकसित कर दी। अब व्यक्ति के अंदर इस भावना का विकास हो गया कि दुनिया में जितनी चीजें हैं वह चाहे सरकार ही क्यों ना हो, वह किसके लिए है? व्यक्ति के लिए। दुनिया में जो भी चीजें बनाई गई हैं किसके लिए बनाई गई हैं? व्यक्ति के लिए बनाई गई हैं। व्यक्ति अगर हम हैं तो सम्राट भी हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति है। तो जब इस प्रजा के अंदर इस भावना का विकास हुआ तो आप यह भी देखेंगे कि जब प्रजा ने सम्राट के खिलाफ आवाज उठाई उसका दमन कर दिया गया, क्योंकि सरकार की तीनों शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा था? सम्राट कर रहा था। तो कानून भी बनाने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार भी, और न्याय करने वाला भी वही था। न्याय की उम्मीद प्रजा को कहां से मिलती? नतीजा यह हुआ कि इस प्रजा ने राजा के अत्याचार से बचने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए, क्रांति की, रिवॉल्यूशन किया। और वह क्रांति आपको मालूम है कि ब्रिटेन में 1688 में हुई, तो फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई। तो जब क्रांति हुई तो रिवॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है कि एक सिस्टम के स्थान पर दूसरा सिस्टम लाता है। वह सिस्टम क्या था? तो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। जब क्रांति हुई तो उस राजतंत्र के स्थान पर क्या स्थापित हुआ?
डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आई, तो जाहिर सी बात है कि जब लोकतंत्र आएगी तो लोकतंत्र में भी सरकार होगी, और जब सरकार होगी तो सरकार के तीन अंग भी होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सब बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कॉन्सेप्चुअली कोई सवाल अगर पूछे यूपीएससी में तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकें, कहीं बहस हो तो उस बहस में आप कारगर बहस कर सकें। राजतंत्र के स्थान पर जब लोकतंत्र स्थापित हो गया तो ऐसे लोकतंत्र में भी सरकार होगी, और जब सरकार होगी तो सरकार के तीन अंग होंगे जिन्हें हम औपचारिक संस्था कहते हैं। अब देखें, मैंने आपसे यह कहा कि राज्य एक अमूर्त धारणा है, राज्य की शक्ति का प्रयोग करता कौन है, सरकार करती है, सरकार के रूप में था कौन, सम्राट था, सम्राट के विरुद्ध क्या लोगों के पास कोई अधिकार था, क्या राज्य के विरुद्ध लोगों के पास कोई अधिकार था, नहीं था। तो इस राज्य के विरुद्ध लोगों ने क्रांति की और अपने अधिकारों को पाने के लिए लोकतंत्र को स्थापित किया। तो ऐसे राज्य जिसकी शक्ति का प्रयोग कौन करता है, सरकार करती है, राज्य संप्रभु, सरकार संप्रभु नहीं होती, सिद्धांत में राज्य संप्रभु, और संप्रभु वह कहलाता है जिसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण न हो। तो राज्य की शक्ति, हमारा सामना राज्य से नहीं होता, वह कौन है जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करता है, सरकार करती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर राज्य संप्रभु है सिद्धांत में, तो राज्य की इस शक्ति का प्रयोग व्यवहार में करता कौन है, सरकार करती है, हमारा सामना सरकार से होता है। तो मूल अधिकार अगर राज्य के विरुद्ध और राज्य की शक्ति का प्रयोग करता कौन है, सरकार करती है, तो मूल अधिकार किसके विरुद्ध हुआ, सरकार के विरुद्ध हुआ। सरकार के कितने अंग, तीन अंग, इन तीनों में से मूल अधिकार किसके विरुद्ध, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के विरुद्ध। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध, राज्य की शक्ति का प्रयोग करता कौन है, सरकार करती है, सरकार के विरुद्ध। सरकार के कितने अंग, तीन अंग, इन तीनों में से मूल अधिकार किसके विरुद्ध, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के विरुद्ध। अगर हम मान लें कि मूल अधिकार इन तीनों के विरुद्ध होता और ये तीनों मिलकर जुल्म करते हमारे ऊपर, तो हम मूल अधिकारों को पाने के लिए किसके वहां जाते, तो लोकतंत्र में और राजतंत्र में कोई फर्क नहीं रह पाता। जैसा कि आपने देखा कि राजतंत्र में जुल्म करने वाला यही, और यही था जो तीनों शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, तो न्याय मिलने की उम्मीद कहां पर। वैसे ही लोकतंत्र को लाने वाले विचारकों के सामने यह बहुत बड़ा चैलेंज था। तो लोकतांत्रिक जो विचारक थे उन्होंने क्या कहा कि ऐसा मूल अधिकार जो राज्य के विरुद्ध है, राज्य की शक्ति का प्रयोग करता कौन है, सरकार करती है, सरकार के विरुद्ध, सरकार के कितने अंग, तीन अंग, इन तीनों में से मूल अधिकार किसके विरुद्ध, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के विरुद्ध, न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं होगा। अर्थात जब व्यवस्थापिका कानून बनाकर हमारे मूल अधिकारों को छीनेगी, या जब कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश देगी जिससे हम मूल अधिकारों से वंचित हो जाएं, तो इनको हम न्यायपालिका में चैलेंज करेंगे। तो लोकतंत्र के समर्थकों ने, लोकतंत्र के विचारकों ने न्यायपालिका को मूल अधिकारों का क्या बना दिया, संरक्षक बना दिया। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको बना दिया गया, न्यायपालिका को बना दिया गया। अब इतनी पृष्ठभूमि हमको अगर मालूम हो गई, तो अब हम आगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आ रहे हैं कि भारत के संविधान में देखिए मूल अधिकारों के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। मैंने आपसे कहा कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध, जबान पे रट जाना चाहिए, मूल अधिकार किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। मूल अधिकार किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। अब कोई पूछे कि राज्य कौन, अब कोई हमसे यह बात पूछता है कि राज्य कौन, तो संविधान को जब लिखा गया उसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया, तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले मूल अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी,
अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। क्या कहा गया? संघ की संसद, यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, पांचवा लोकल अथॉरिटी, और आखिरी यानी छठा अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई और उस राज्य की परिभाषा में क्या शामिल? तो संघ की संसद, संघ की सरकार, संघ की संसद, संघ की सरकार, राज्य के विधानमंडल, राज्य की सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। देखें, इस राज्य की परिभाषा जो दी गई है अनुच्छेद 12 में, इस परिभाषा में आप देखेंगे कि कौन शामिल नहीं दिख रहा है। सरकार के तीन अंगों में से कौन शामिल नहीं दिख रहा है? न्यायपालिका, मैंने आपसे कहा कि लोकतंत्र की यह खासियत है, हमारे संविधान निर्माताओं की यह सोच कि उन्होंने सिर्फ हमें मूल अधिकार नहीं दिया, मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी भी दी। वह सुरक्षा हमें कौन प्रदान करेगा? न्यायपालिका देगी। इसी वजह से अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया। तो कभी भी पूछे कि मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? न्यायपालिका शामिल नहीं है। तो न्यायपालिका के अलावा बचा क्या? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। व्यवस्थापिका कहते हैं रूल मेकिंग बॉडी को, कानून बनाने वाली संस्था। तो कानून बनाएगी कौन? यूनियन पार्लियामेंट, संघ की संसद, राज्य के विधानमंडल, ये व्यवस्थापिका हो गए। और कार्यपालिका कहते हैं आदेश देने वाले और लागू करने वाली संस्था को। तो लागू करेगा कौन? सरकार करेगी। लागू करेगा कौन? राज्य की सरकार करेगी। और कौन करेगा? लोकल अथॉरिटी करेंगे। और कौन करेगा? अन्य अथॉरिटी करेंगे, अन्य प्राधिकारी करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा में कौन शामिल होगा? वो शामिल होंगे जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कानून बनाने वाली संस्था और लागू करने वाली संस्था। जैसे भारत सरकार, संघ की संसद, संघ की संसद में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भी शामिल है, राज्यसभा के सदस्य भी शामिल है, यानी राज्यसभा भी शामिल है, लोकसभा के सदस्य भी शामिल है। संघ की सरकार में अगर देखेंगे आप तो संघ की सरकार में एक तरफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका, जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री लोग। तो उसी सरकार में आप देखेंगे कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होती है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका जो अधिकारियों से मिलकर बनती है, वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद होगी वो भी शामिल। तो राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारी में आप नीचे के स्तर पर पहुंच जाइए, वो सारे लोग शामिल हैं। अन्य प्राधिकारी में जैसे LIC शामिल है, यूनिवर्सिटीज शामिल है, कॉलेज शामिल है, कौन यूनिवर्सिटी कौन कॉलेज जिसको राज्य ने बनाया है, पुलिस विभाग शामिल है। तो मैं कह सकता हूं कि राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका को छोड़कर वो समस्त संस्थाएं शामिल हैं जो राज्य की शक्ति का प्रयोग करती हैं, अर्थात वो कानून बनाती हैं और उसे लागू भी करती हैं। वो राज्य की परिभाषा में शामिल है। क्योंकि UPSC में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए याद रखें कि इस राज्य की परिभाषा में कोऑपरेटिव कमिटीज भी शामिल होंगी, LIC भी शामिल, यूनिवर्सिटी भी शामिल, UGC भी शामिल, सब शामिल है।
एक्सेप्ट जुडिशरी। अब हम यहां से निकलकर चलते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 का सेक्शन 1। 13 के सेक्शन 1 में क्या कहा गया, उसके बाद 2 और 3 आएगा जो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है। एक बात और मैं बता दूं कि अगर यह बात हो कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, कोई पूछे कि राज्य कौन, तो तुरंत हम बताएंगे अनुच्छेद 12। 12 में कितनी बातें बताई गई हैं, कितनी बातें लिखी हैं, 6 बातें लिखी गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य कौन? अनुच्छेद 12। जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो भी अधिकारी गण हैं, उन सारे लोगों से यह बात कही जा रही है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के सेक्शन 1 में राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य कौन? अनुच्छेद 12। 16 में यह बात कही गई कि राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। किसके अधीन? राज्य के अधीन। राज्य कौन? अनुच्छेद 12। 18 आप देखते हैं कि अस्पृश्यता का उपाधियों का अंत किया जाता है। राज्य शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य कौन? अनुच्छेद 12 सामने दिख रहा है। तो जब भी मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की बात हो कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, राज्य कौन? अनुच्छेद 12। तुरंत यह बात स्ट्राइक हो जानी चाहिए। हम अनुच्छेद 13 के सेक्शन 1 पर आते हैं। देखिए क्या लिखा है। यदि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि मूल अधिकारों से असंगत या विपरीत है तो वह 0 होगी, वह विधि 0 होगी। यदि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि मूल अधिकारों से संगत या विपरीत है तो वह विधि क्या होगी? 0 होगी। अब हम इस बात को देखें कि हमारा संविधान लागू कब हुआ। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और जब संविधान लागू हुआ तो हमें मूल अधिकार भी मिला। क्या मूल अधिकार मिला? कि हम इस देश में कहीं पर भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ प्रतिबंध हैं जो हम आगे देखेंगे कि अगर आने जाने से शांति व्यवस्था प्रभावित होती है तो राज्य को अधिकार है कि वह रोक लगा देगा। एक कॉमन बात कि यदि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि मूल अधिकारों से असंगत या विपरीत है तो वह विधि 0 होगी। जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो हमें मूल अधिकार भी मिला। क्या मूल अधिकार मिला? कि हम इस देश में कहीं पर भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। यह हमें मूल अधिकार मिला। और यहां पर क्या कह रहा है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि 26 जनवरी 1950 से पूर्व की विधि मूल अधिकार मिला कि मैं इस देश में कहीं पर भी आ सकता हूं, जा सकता हूं। कब से वह मूल अधिकार मिला? 26 जनवरी 1950 से। और 13 के सेक्शन 1 में क्या कह रहा है कि यदि 26 जनवरी 1950 से पूर्व की विधि मूल अधिकारों से असंगत या विपरीत है, अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया वह हमारे मूल अधिकारों के विपरीत है, जैसे
आने जाने से रोकती है तो वह विधि क्या होगी? शून्य होगी। वह विधि शून्य होगी, अर्थात इस पूर्व की विधि का हमारे मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। याद रखिएगा, पहला सिद्धांत मैं निकाल के ले आ रहा हूं, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये क्या है? तो पहली बात कि आच्छादन का सिद्धांत किस पर लागू होगा? तो पूर्व की विधि पर, यानी संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। यह आच्छादन का सिद्धांत है क्या? देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको गर्मी के मौसम में या ठंडे के मौसम में भी जिनकी स्किन जो है जल जाती है, बर्न स्किन हो जाती है, तो उससे बचाव करने के लिए क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगाते हैं। यहां पर तो सनस्क्रीन लगाने से जो सूरज की रोशनी आती है, उसके जो रेज आते हैं, वो खत्म नहीं हो जाते, बल्कि वो क्रीम क्या करती है, उस रेज को एक्लिप्स ढक लेती है और उसका प्रभाव स्किन के ऊपर पड़ने नहीं देती। दूसरी बात कि जैसे बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो हम लोग उस बारिश से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल करते हैं। अब छाता लगा लिया, ऐसा नहीं है कि छाता लगाने से बारिश समाप्त हो गई, बारिश हो भी रही है और उस छाते के अंदर हम क्या हैं? सुरक्षित भी हैं। तो छाते ने क्या किया? बारिश के पानी को आच्छादित कर लिया और उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ने नहीं दिया। जैसे तीसरा उदाहरण कि चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है। आच्छादित करने से सूर्य के प्रकाश समाप्त नहीं होता, बल्कि पृथ्वी तक उसका प्रकाश नहीं आ पाता। तो आच्छादन का सिद्धांत यह कहता है कि यदि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि मूल अधिकारों के विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार उस पूर्व की विधि को आच्छादित कर निष्क्रिय बना देगा और उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं देगा। एक बार फिर सुन ले कि यदि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधि मूल अधिकारों से असंगत या विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में मूल अधिकार उस पूर्व की विधि को आच्छादित कर निष्क्रिय बना देगा, उसका प्रभाव मूल अधिकारों के ऊपर पड़ने नहीं देगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे देश में ये मूल अधिकार है। क्या मूल अधिकार है? कि इस देश में मैं कहीं पर भी आ सकता हूं, जा सकता हूं, और पूर्व की विधि ये कहती है कि आना जाना मना है, तो हमारा मूल अधिकार क्या करेगा? इस पूर्व की विधि को आच्छादित कर लेगा और उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं देगा। हम इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। ये तो 13 का सेक्शन 1 हुआ। अब 13 के सेक्शन 2 पर हम आते हैं, जो वाकई में बहुत बड़ा है। मूल अधिकार के संदर्भ में हमें लगता है कि अनुच्छेद 13 के सेक्शन 2 का बहुत बड़ा महत्व है। 13 का सेक्शन 2, 13 का सेक्शन 3, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा का सारा केस मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण केस हैं, जैसे आप देखेंगे तो चंपकन दोराई राजन शंकरी प्रसाद का केस, सज्जन सिंह का केस, गोलकनाथ का केस, केशवानंद भारती का केस, मिनर्वा मिल्स का केस, ये सारे के सारे 13 के सेक्शन 2 से जुड़े हुए हैं। 13 के सेक्शन 2, 13 के सेक्शन 3 से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें 13 का सेक्शन 2 जानना होगा। अनुच्छेद 13 का सेक्शन 2 ये क्या कह रहा है? कि यदि राज्य द्वारा निर्मित विधि, यदि राज्य द्वारा निर्मित विधि इस भाग के द्वारा
प्रदान किए गए मूल अधिकारों को न्यून करती है, कम करती है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी, उस मात्रा तक शून्य होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है देखने में ऐसा, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, मैंने आपसे ये बात कहा कि मूल अधिकार किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। राज्य के बारे में किस में बताया गया? अनुच्छेद 12 में। राज्य कौन? तो छह बातें याद रहे, उन छह में से हम पार्लियामेंट निकालने, लेजिस्लेचर निकालने, जो कानून बनाएंगे। क्या कह रहा है कि यदि राज्य द्वारा निर्मित विधि इस भाग के द्वारा, कौन सा भाग? भाग तीन के द्वारा। तो भाग तीन के द्वारा क्या हमें प्रदान किया गया है? मूल अधिकार प्रदान किया गया। तो यदि राज्य द्वारा निर्मित विधि, यानी राज्य कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मूल अधिकार क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो, तो उसी विधि को हम क्या कहेंगे? अल्पीकरण वाली विधि। अल्पीकरण वाली विधि। राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे मूल अधिकार हमारे मिनिमाइज हो, तो वह कानून उस मात्रा तक क्या होगी? शून्य होगी। यानी राज्य कोई कानून बनाती है और उस कानून से हमारा मूल अधिकार कम हो, तो वह कानून उस मात्रा तक क्या होगी? शून्य होगी। एक बात। दूसरी बात कि 13 के सेक्शन 2 में इस विधि के बारे में बताया गया कि विधि में क्या शामिल होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि राज्य की परिभाषा में क्या शामिल होंगे, यदि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध तो राज्य कौन? अनुच्छेद 12। यदि राज्य के द्वारा निर्मित विधि, विधि के बारे में पूछे कि विधि में क्या शामिल, तो अनुच्छेद 13 के सेक्शन 3 में यह बात लिखी गई है। विधि में क्या शामिल? नियम, बाइलाज, उपनियम, अध्यादेश, आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, विधि, उपविधि और ऐसे कस्टम्स जो आज कानून का रूप ले चुके हैं। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाए जिससे मूल अधिकार मिनिमाइज है, तो वह कानून उस मात्रा तक शून्य होगी। तो उस कानून में क्या शामिल होगा? तो 13 के सेक्शन 2 में बताई गई है बात कि नियम भी शामिल होगा, उपनियम भी शामिल होगा, आदेश भी शामिल होगा, अध्यादेश भी शामिल होगा, विधि भी शामिल होगी, उपविधि भी शामिल होगी और ऐसे अनेक कस्टम्स भी शामिल होंगे जो आज कानून का रूप ले चुके हैं। अब देखिए, देश हमारा आजाद हो चुका था और उस आजादी की लड़ाई महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। यह हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी गई। उस आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी शामिल थी, छात्र भी शामिल थे, किसान भी शामिल थे, मजदूर भी शामिल थे और भी बहुत से लोग शामिल थे, यानी पूरा देश हमारा इन्वॉल्व था। तो जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और देश आजाद हो गया, तो सबके अपने अपने स्वप्न थे, महिलाओं की भी अपनी इच्छा कि जब देश आजाद होगा और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, तो हमें हमारा जो कार्य है, जो घर में हम कार्य करते हैं, उस कार्य को क्या किया जाएगा? गरिमापूर्ण बनाया जाएगा। महिलाओं की अभी अपनी महत्वाकांक्षा कि जब देश हमारा आजाद हो गया और उस देश आजाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ,
तो ऐसे महिलाओं की अपेक्षा थी कि सरकार घरेलू कार्य जो हम करते हैं उसको गरिमा प्रदान करे, डिसीजन मेकिंग में हमें भी शामिल किया जाए, हमें भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिया जाए। छात्रों की भी थी कि शिक्षा हमें भी प्रदान किया जाए। वो कौन सा छात्र, तो जैसे एससी थे, एसटी थे, ओबीसी इसके छात्र थे, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि उस वक्त के जो हालात थे उसमें स्वर्णों का वर्चस्व था एजुकेशन के सेक्टर में। ये कहीं पर नहीं थे किसानों की कि जमींदारी, जमींदारों से हमें मुक्ति मिले, जमींदारों से हमें मुक्ति मिले, खेती हम करते हैं तो जमीन हमारी होनी चाहिए, जमींदार की नहीं होनी चाहिए। तो सबके अपने अपने स्वप्न थे और यह सोच कोई गलत नहीं था, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव पड़ा। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू की सरकार के ऊपर दबाव बना और नतीजा क्या निकला कि मद्रास में, मद्रास की सरकार ने क्या किया, इनको एससी एसटी ओबीसीज को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया, जो केस कहलाता है चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। देखिए क्या शुरुआत होती है। मैंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और उस आजादी की लड़ाई में सबके अपने अपने रोल थे, तो जब देश हमारा आजाद हुआ तो सबके अपने अपने स्वप्न थे, सबके अपने अपने स्वप्न थे। मद्रास की सरकार ने क्या की, इनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया। क्यों दिया, क्योंकि आप देखेंगे कि डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 46 में, 46 में यह बात लिखी गई है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राज्य ने प्रयास किया, तो एक तरफ डीपीएसपी को लागू करने की सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी और दूसरे तरफ फंडामेंटल राइट्स था। डीपीएसपी के बारे में आपको मालूम है कि आर्टिकल 37 में, 37 अनुच्छेद 37 में स्पष्ट लिखा है कि नीति निदेशक तत्व तो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है किंतु शासन में मूलभूत है। अतः नीति बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मैंने आपसे कहा कि जब देश आजाद हो गया, नेहरू की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी, तो देश की आजादी की लड़ाई में सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, सब अपने अपने रोल को बखूबी अंजाम दिए थे। तो हमारे स्वतंत्र भारत की सरकार से इनकी उम्मीदें थी। ओबीसी एससी एसटी चाहता था कि एजुकेशन में हमें भी कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए जिससे हम भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। मद्रास की सरकार ने क्या किया कि मद्रास की सरकार ने एससी एसटी और ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया। नतीजा क्या हुआ कि जब मद्रास की सरकार ने यह स्टेप उठाया तो इस चंपकम दोराई राजन ने मद्रास सरकार के इस कदम का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया। कहा कि यह अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का उल्लंघन है।
यानी एक तरफ आप देखेंगे तो अनुच्छेद 13 और दूसरी तरफ 46 नीति निदेशक तत्व। और यह बात तो स्पष्ट है कि मूल अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्व को वरीयता नहीं दी जाएगी। दोनों में अगर द्वंद हो जाए तो मूल अधिकारों को वरीयता दी जाएगी क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सेबल है, जबकि नीति निदेशक तत्व के बारे में अनुच्छेद 37 में स्पष्ट लिखा है कि न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो चंपकम दोराईराजन ने मद्रास सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया और कहा कि अनुच्छेद 14 का यह उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। इस चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास स्टेट जो नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को लेकर पहला विवाद कहलाता है, पहला संवैधानिक वाद कहलाता है, तो इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए इस शैक्षणिक आरक्षण को क्या किया, रद्द कर दिया और कहा कि यह सही है। यह सही है, क्या सही है कि एक तरफ नीति निदेशक तत्व है, दूसरे तरफ मूल अधिकार है, और आप अगर नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए कानून बना रहे हैं जिससे अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार बाधित होता है तो हम उसे सही नहीं मान सकते, हम मूल अधिकारों को ही वरीयता देंगे। नतीजा यह हुआ कि मद्रास की सरकार ने जो शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को एससी एसटी को आरक्षण दिया था वो खारिज हो गया। जब खारिज हो गया तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार, भारत सरकार और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। तो अब हमको समझना होगा, अब हमें समझना होगा कि सरकार ने के सामने क्या चैलेंज थे। जब मद्रास सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में दिए गए आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे व्यक्ति का मूल अधिकार कम हो जाए या छीनता हो तो राज्य को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है, राज्य को ऐसे कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तब भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार कहें या सही मायने में कहें संसद, इधर नेहरू की सरकार थी। मैंने आपसे कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में इन लोगों का बड़ा रोल था और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी का एससी एसटी का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था, एजुकेशन उनके पास नहीं था, अशिक्षित लोग थे, यह भी जिम्मेदारी थी, अमीरी गरीबी की खाई, आय की असमानता भी थी। आय की असमानता जो आप देखेंगे आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, अमीरी गरीबी की खाई पाटने का की कोशिश करेगा। तो कंट्रडिक्शन है भारतीय संविधान में, कुछ कंट्रडिक्शन है कि एक तरफ मूल अधिकार है, दूसरी तरफ नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। अब सरकार के ऊपर यह दबाव था कि यदि सरकार आय की असमानता को दूर करने के लिए कोई कानून बनाती है तो जाहिर सी बात है कि मूल अधिकार प्रभावित होगी, समानता का अधिकार प्रभावित होगा, और जब समानता का अधिकार प्रभावित होगा तो उसको चैलेंज करने वाला करेगा ही करेगा। तो जब चंपकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए इस रिजर्वेशन को अवैध घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, तो नेहरू की सरकार के ऊपर दबाव, और चूंकि नेहरू की सोच भी बहुत प्रोग्रेसिव थी, जो समाज में दबे हुए लोग थे उनकी भी आजादी की लड़ाई में बराबरी का
तो उनको भी लगना चाहिए था कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो अब नेहरू की सरकार यानी हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया। और इसी पहले संशोधन के द्वारा देखिए क्या क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 15 में सेक्शन 4 जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया। इसी में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 31 कैपिटल ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 का कैपिटल ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 31 का कैपिटल बी जोड़ा गया। ये सब देखने में बहुत आसान लगता है। मैंने आपसे कहा कि सरकार के सामने चैलेंज था कि एक तरफ तो महिलाओं के बारे में मैंने आपको बताया, दूसरे तरफ एससी एसटी ओबीसी के बारे में भी आपको मालूम, और तीसरी बात कि जो किसान थे, आय की असमानता अनुच्छेद 38 में कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगी, वैसे ही अनुच्छेद 39 जब आप पढ़ेंगे तो 39 का जो बी और सी है, बी और सी, बी में लिखा है कि राज्य समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से करेगा जिससे समुदाय का हित हो सके, सी में लिखा है कि राज्य अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन इस प्रकार से करेगा जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो सके। यानी सरकार के लिए यह जरूरी था कि आय की असमानता को मिनिमाइज करे, और आय की असमानता जब मिनिमाइज होगी, कम होगी, तो इसका हित प्रभावित होगा, जमींदार का हित प्रभावित होगा। जमींदारों, बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी जमीन छीनी जाती और जमीन छीन कर जो किसान थे उनके बीच बांटी जाती। तो जब नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए यानी असमान आय की असमानता को लागू करने के लिए राज्य के द्वारा प्रयास किया जाता, हमारी इस भारत सरकार प्रयास करती, तो निश्चित रूप से उससे मूल अधिकार प्रभावित होता, और जब मूल अधिकार प्रभावित होता तो राज्य के द्वारा उठाया गया कदम वो अवैध हो जाता, क्योंकि नीति ने शक्त तो और दूसरी तरफ मूल अधिकार 13 के सेक्शन 2 में स्पष्ट बात लिखी है कि राज्य के द्वारा निर्मित विधि मूल अधिकारों को मिनिमाइज करेगी, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी। भारत सरकार ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दिया, संविधान में इसका प्रावधान किया, 15 में सेक्शन 4 जोड़ा, और सेक्शन 4 में आप जानते हैं कि लिखा है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा। यानी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान 15 के सेक्शन 4 में कर दिया गया, किस संशोधन के द्वारा, पहले संशोधन के द्वारा। इसी पहले संशोधन के द्वारा 31 कैपिटल ए जोड़ा गया, और 31 कैपिटल ए को भूमि सुधार के लिए जोड़ा गया, और भूमि सुधार का मतलब यह कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, उस संपत्ति का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 एक च में और अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 19 एक च में था कि कोई भी देश का नागरिक संपत्ति का अर्जन कर सकता, प्राप्त कर सकता है, बेच सकता, खरीद सकता है, बेच सकता है। तो जहां पर अनुच्छेद 19 एक च में संपत्ति के अर्जन व्ययन कि नागरिक संपत्ति खरीद सकता है, बेच भी सकता है, तो अनुच्छेद 31 में यह प्रोविजन था कि राज्य विधि बनाकर संपत्ति ले सकती है, लेकिन वह संपत्ति लोकहित में लिया जाना चाहिए, और दूसरा कि जब राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा तो उसके बदले क्या देना होगा, क्षतिपूर्ति देनी होगी। तो बहुत बड़ी चीज थी कि एक तरफ संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार में यह बात 19 एक के च में लिखी थी कि नागरिक संपत्ति का अर्जन भी खरीद सकता है, यानी खरीद बेच सकता है,
तो दूसरे तरफ 31 में दो सेक्शन थे, एक और दो, इसमें लिखा था कि राज्य विधि के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण कर सकेगी, लेकिन जब राज्य विधि बनाकर संपत्ति का अधिग्रहण करेगी तो उसके दो शर्त होंगे। पहली शर्त होगी कि ऐसी संपत्ति पब्लिक इंटरेस्ट में ही ली जाएगी, लोक हित में ली जाएगी। दूसरा कि जब राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा तो उसके बदले क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो जब पहले संशोधन के द्वारा 31 का कैपिटल ए जोड़ा गया, जिसके द्वारा भूमि सुधार हुआ, और 31 का बी जोड़ा गया, इस 31 बी के द्वारा नवीं अनुसूची, आपको मालूम है क्या प्रोविजन किया गया कि नवीं अनुसूची में रखे गए विधि का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। नवीं अनुसूची में यह प्रोविजन, वही नवीं अनुसूची इसी संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, यानी पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 15 में सेक्शन 4 जोड़ा गया, 31 में कैपिटल ए जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित, और 31 बी नवीं अनुसूची के बारे में कि इस नवीं अनुसूची में जो भी विधि रखी जाएगी उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। तो जब पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 15 में सेक्शन 4 जोड़कर यह प्रोविजन किया गया कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करेगा, तो यह तो प्रोविजन हो गया 15 के सेक्शन 4 में कि राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में यानी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को एससी एससी को रिजर्वेशन देगा, और जब रिजर्वेशन देगा तो यह समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा, यानी मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है। और दूसरी तरफ भूमि सुधार की गई, जमींदारी पर था उन्मूलन अधिनियम 1951 आपके ये लिया, जमींदारों की जमीन छीनी गई, तो जब जमींदारों की जमीन छीनी गई तो उनमें से एक निकला जिसका नाम है शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इस शंकरी प्रसाद का यह कहना कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 है, यह भी एक अधिनियम है, यह भी एक अधिनियम है, और यह अगर अधिनियम है तो यह भी 13 के सेक्शन 3 में शामिल है, और 13 के सेक्शन 3 के बारे में आप लोगों को मैंने यहां पर लिखकर बताया कि राज्य 13 के सेक्शन 2 में कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकार कम हो, समानता का अधिकार मूल अधिकार है। और जब राज्य ने पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किया और इसके द्वारा जमींदारों की संपत्ति छीनी गई, तो शंकरी प्रसाद ने पहले संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 है जिसके द्वारा यह सब जोड़ा गया, नवीं अनुसूची भी जोड़ी गई, यह वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह 13 के सेक्शन 2 में शामिल विधि के अंतर्गत आता है, 13 के सेक्शन 2 में शामिल विधि के अंतर्गत आता है, और उस विधि के अंतर्गत क्या है तो नियम भी है, उपनियम भी है, विधि भी है, आदेश भी है, अध्यादेश भी है, उपविधि भी है। तो पार्लियामेंट अनुच्छेद 368 के द्वारा जो संशोधन कर रही है, जो अधिनियम बना रही है, वो भी अधिनियम 13 के सेक्शन 3 में शामिल है, यानी राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अर्थात राज्य 368 के द्वारा संविधान में अगर कोई संशोधन करती है तो राज्य को ऐसा संशोधन करने का अधिकार नहीं है जिससे मूल अधिकार प्रभावित हो जाए, 13 के सेक्शन 2 में बात स्पष्ट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के मामले में सुनवाई की
और पहले संविधान संशोधन अधिनियम को वैध ठहराया। जब पहले संविधान संशोधन अधिनियम को वैध ठहराया, अर्थात कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो विधि बनाई गई है वह 13 के सेक्शन 3 में बताई गई विधि के अंतर्गत नहीं आती। दूसरे शब्दों में कि संसद को अधिकार है कि वह अनुच्छेद 368 के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब यहां तक आते आते ये बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार का इरादा भी, नजरिया भी इनको लेकर स्पष्ट था कि इनको भी सरकार कुछ देना चाहती थी। किसानों के लिए मैंने आपको बताया कि किसानों के लिए तभी हितकारी होता जब जमींदारों की जमीन छीनी जाती, और चूंकि भूमि राज्य सूची का विषय और राज्यों के कानून अलग अलग थे, बड़े बड़े भूमिपति थे जिनकी जमीन छीनी ही नहीं जा सकती थी, बड़े बड़े भूमिपति थे जिनकी जमीन नहीं छीनी जा सकती थी, तो नेहरू की सरकार ने एक और संशोधन किया, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 भूमि सुधार के लिए। चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा भूमि सुधार किया गया, और उस भूमि सुधार को क्या किया गया, नवीं अनुसूची में डाल दिया गया। और नवीं अनुसूची का मतलब कि उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ तो जमींदारों के ऊपर सरकार हमलावर थी कि कैसे जमींदारों की जमीन छीनकर किसानों में बांटी जाए, तो उसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही थी। सरकार ने चौथा संशोधन भी किया 1955 में, और उस चौथे संशोधन 1955 के द्वारा भूमि सुधार जो किया गया उसको नवीं अनुसूची में डाल दिया गया। ऐसे ही पश्चिमी बंगाल का भी मामला था, राजस्थान और पंजाब का भी मामला था। राजस्थान में और पंजाब में भूमि सुधार के बारे में कानून बनाया गया, और भूमि सुधार के बारे में कानून जो बनाया गया वो कानून बनाकर नवीं अनुसूची में डाल दी गई। और नवीं अनुसूची का मतलब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो कानून क्या था तो जान लीजिए आप कि पंजाब में ये कानून था बना, जो संशोधन के द्वारा जो 17वां संशोधन था 1964 में, उस 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 के द्वारा क्या किया गया कि पंजाब के बारे में और राजस्थान के बारे में जो भूमि सुधार किया गया था उसको भी नवीं अनुसूची में डाल दी गई। तो क्या प्रोविजन था पंजाब में, यह था कानून बना जिसको नवीं अनुसूची में डाली गई कि एक परिवार में कई अगर सदस्य हैं तो एक सदस्य 30 एकड़ भूमि का ही स्वामी होगा, शेष भूमि राज्य छीन लेगी। यानी एक परिवार में अगर एक से ज्यादा सदस्य हैं तो एक सदस्य 30 एकड़ भूमि का ही स्वामी होगा और शेष जो भूमि होगी वो राज्य ले लेगी। राजस्थान का एक व्यक्ति था सज्जन सिंह, उसने इसको चैलेंज किया 17वें संशोधन को। जो 17वां संशोधन किया था सरकार ने, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964, इस 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विशेष तौर से पंजाब, राजस्थान में बड़े बड़े भूमतियों की जमीन थी जो छीनी नहीं जा सकती थी, यानी राज्यों में बड़े बड़े भूमतियों की जमीन थी जिसको लिया जाना जरूरी था, क्योंकि आय की असमानता को दूर करने के लिए जमींदारों के ऊपर हमला करना जरूरी था, यानी जमींदारों की जमीन को छीना जाना जरूरी था। इसके लिए क्या किया सरकार ने कि 17वां संशोधन किया 1964 और भूमि सुधार करते हुए से क्या किया, नवीं अनुसूची में डाल दिया। और जब नवीं अनुसूची में डाल दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जांच नहीं किया सकते, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। इससे 17वें संशोधन को सज्जन सिंह ने चैलेंज किया, जो केस कहलाता है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1965, दूसरा केस है। इस सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1965 के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कि 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 वैध है। एक बार फिर सुन लें कि शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके सामने कि शंकरी प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पहले संशोधन को कहा कि वैध है, सरकार के लिए बहुत बड़ी बात थी ये। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि पहला संविधान संशोधन वैध है, तो उसके बाद की कहानी यह थी कि भूमि सुधार के लिए प्रयास किया गया, सरकार भारत सरकार ने प्रयास की, यानी नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर स्टेट को स्टेबल करने के लिए, उसमें से एक सेगमेंट निकाल दें किसानों के लिए। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी और जरूरी था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी भूमि छीनकर किसानों को वितरित किया जाए, तब हम उस दिशा में अग्रसर होते। तो शंकरी प्रसाद में जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि चौथा संशोधन किया, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955। और उस चौथे संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में भूमि सुधार के संदर्भ में जो विधि बनाई गई उसको नौवीं अनुसूची में डाल दी गई, जिससे क्या हुआ कि अब भारत सरकार के लिए रास्ता खुल गया कि वह बड़े बड़े जमींदारों की भूमि को अब छीन सकती थी। अब उसका रास्ता खुल गया। एक और सरकार ने कोशिश किया, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964, जो पंजाब और राजस्थान के लिए विशेष तौर से था। पंजाब और राजस्थान के बारे में यह संशोधन किया गया और भूमि सुधार को नवीं अनुसूची में डाल दी गई। तो सज्जन सिंह ने 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस 17वें संविधान संशोधन के बारे में फैसला दिया कि यह वैध है। वैध का मतलब कि सरकार भूमिपतियों की जमीन छीन सकती है, और जब सरकार भूमिपतियों की जमीन लेगी तो उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी। यही 17वां संशोधन था जिस 17वें संशोधन को पुनः गोलकनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आप जानते होंगे गोलकनाथ का केस बहुत महत्वपूर्ण है, 1967 का। ये गोलकनाथ दो भाई थे, एक हेनरी गोलकनाथ और दूसरा विलियम गोलकनाथ। ये दोनों के दोनों भाई जालंधर के रहने वाले थे और इनके पास 500 एकड़ की भूमि थी, 500 एकड़ की भूमि थी। तो हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, जिनकी कुल भूमि मैं बता रहा हूं आपको 500 एकड़ थी, तो निश्चित रूप से जब पंजाब में वो कानून बन गया और नौवीं अनुसूची में भी डाल दी गई कि अगर किसी व्यक्ति के पास भूमि है और उस परिवार में कई सदस्य हैं, तो एक परिवार, पंजाब में एक परिवार का एक सदस्य 30 एकड़ से ज्यादा भूमि का स्वामी नहीं होगा, यानी 30 एकड़ ही जमीन वो रख सकता है, शेष भूमि सरकार ले लेगी। तो निश्चित रूप से उस कानून का प्रभाव गोलकनाथ के परिवार के ऊपर भी पड़ा, 500 एकड़ जमीन, उसकी जमीन छीनी गई। तो जब जमीन छीनी गई तो एक तरफ मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार, और उसी संपत्ति के अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया कि भूमि सुधार और संपत्ति का समान वितरण करने के लिए जरूरी था कि नीति निदेशक तत्वों को लागू किया जाए। तो सरकार ने क्या किया, 39(b) और (c) के बारे में कि अगर 39(b)(c) यानी किसी का संपत्ति लिया जाता है समान वितरण के लिए, तो 39(b)(c) को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 एक च और अनुच्छेद 31 पर वरीयता दी जाएगी। कहने का सेंस कि 17वें संशोधन के द्वारा हेनरी गोलकनाथ का परिवार भी प्रभावित हुआ, उसकी जमीन भी ली गई। तो हेनरी गोलकनाथ ने 17वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया और वही केस कहलाता है गोलकनाथ वर्सेज पंजाब स्टेट 1967।